सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच घी से मैंने हलवा बनाकर तैयार किया और आप देख सकते हैं एकदम दानेदार और बहुत ही ज़्यादा शाइनी हमारा यह हलवा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल हलवाई जैसा एकदम भंडारे वाला हलवा तैयार हुआ है। हलवे की वीडियो मैं आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसमें आप सभी का कहना था कि आपने घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने वहाँ पर भी सूजी से आधा घी इस्तेमाल किया। और आज की इस वीडियो में तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर जो हलवा बना रही हूँ केवल एक चम्मच घी से इसको बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है जिसके अंदर 3/4 कप चीनी ऐड की है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप चीनी डालें और हल्का पसंद करते हैं तो 3/4 कप डालें। अब सेम कप से मैं यहाँ पर ये पानी ले रही हूँ, तो मैं इसके लिए यहाँ पर 3 कप पानी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप यहाँ पर 1 कप सूजी लेते हैं तो 3 कप पानी लें। इसके मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप, ग्लास या बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही बर्तन का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैंने 3 हरी इलायची के बीज को निकाल कर हल्का सा कूट कर डाल दिया है, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। अगर आप सूजी से आधा घी इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपको इसके अंदर उबाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल चीनी पानी के साथ में घुल जाए और पानी हल्का गुनगुना हो जाए, बस इतना ही आपको इसे गर्म करना है। लेकिन अगर आप इसे कम घी के साथ में बना रहे हैं तो फिर आपको इसके अंदर अच्छे से उबाल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के साथ में चीनी अच्छी तरह से घुल भी गई है, साथ ही इसके अंदर अच्छे से उबाल भी आ गया है। तो इसे उठाकर हम साइड में रख देंगे और इसे कवर करके छोड़ दें ताकि चाशनी जो है वो ठंडी ना हो। अब यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और जो नॉर्मल चम्मच हम घर पर इस्तेमाल करते हैं उसी से मैं यहाँ पर ये घी ले रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो आपको इसके लिए यहाँ पर 3 कप पानी इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने 3 कप वहाँ पर चाशनी के अंदर पानी ऐड किया था। अब गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर रखना है और इसे लगातार चलाते हुए आपको तब तक भूनना है तब तक कि सूजी का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, साथ ही सूजी जो है वो हल्की सी फूल ना जाए। सूजी को भूनने में यहाँ पर आपको टोटल 12 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे, लेकिन आप गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें, इससे जो सूजी है वो जलने लगती है और इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, सूजी का हलवा अच्छा नहीं बनता। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी हल्की बादामी हो गई है, लेकिन अभी जो सूजी है वो अच्छे से नहीं भुनी है, अभी इससे कोई भी खुशबू वगैरह नहीं आ रही है, तो अभी भी मैं इसको लगातार चलाते हुए भून लूँगी। सूजी को आपने चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, लगातार चलाते हुए भून कर तैयार करना है। अभी सूजी को भुनने में 4 से 5 मिनट बाकी हैं, तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये काजू और बादाम डाल रही हूँ कटे हुए। अगर आपको डालने हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। किशमिश को मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि किशमिश जो है वो जल्दी से जलने लगती है। अभी 4 से 5 मिनट इसको भुनना है, तो इसी तरीके से हम लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। इसके साथ में काजू और बादाम भी अच्छे से भून जाएंगे। जैसे ही आपको सूजी से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इस तरीके से इसका जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, सूजी भी अच्छे से फूल कर तैयार हो जाती है, उसके बाद में आप इसके अंदर किशमिश को डालें। किशमिश को डालकर जैसे ही आप सूजी के साथ में 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे तो आप देखेंगे जो किशमिश है वो अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमारी किशमिश अच्छे से फूल गई है, तो अब हम इसके अंदर चाशनी ऐड करेंगे। चाशनी को डालते हुए गैस की फ्लेम को लो कर लेना है और इसे आपको लगातार चलाते रहना है। चाशनी आपको इसके अंदर 2 बार में ऐड करनी है, एकदम पहले सारी चाशनी आपको नहीं डालनी है, पहले आप आधी चाशनी इसके अंदर डालिए और मिक्स कर दीजिए, साथ ही आपको दूसरी चाशनी भी डाल देनी है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले आप इसको थिक होने दें उसके बाद में आप चाशनी डालें तो इस तरह से गांठें बन जाएंगी, लेकिन 2 बार में चाशनी डालेंगे तो इस तरीके से जो आपका हलवा है वो दानेदार तैयार होगा। चाशनी को इसके अंदर डालने के बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर लेना है और इसे आपको इस तरीके से चलाना है। बीच से आपको करछी को साइड की तरफ लेके जाना है, तो इस तरीके से आपको इसे चलाना है। इससे क्या होगा कि जो सूजी है इसका दाना ख़त्म नहीं होगा, अच्छा दानेदार आपका हलवा रहेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि जो सूजी है उसने पूरी की पूरी चाशनी को अपने अंदर सोख लिया है, एकदम ये थिक होने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो गाढ़ा होने लगा है। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि कम घी के साथ में हलवे की रेसिपी शेयर करूं, तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये रेसिपी शेयर की है। और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मेरा ये हलवा तैयार हो गया है।
लेकिन मैं अभी इसके अंदर यहाँ पर ये आधा छोटा चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ ताकि मेरा जो हलवा है वो देखने में थोड़ा शाइनी दिखाई दे और खाने में भी इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि सभी की बात है कि हम सभी खाना तभी खाते हैं जब हमें वो अच्छा दिखाई दे, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शाइनी दिखाने के लिए यहाँ पर इसके अंदर ये आधा चम्मच देसी घी डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें। तो गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी हमारा ये खिला खिला सूजी का हलवा खाने के लिए तैयार है। इंजॉय कीजिए आप इस रेसिपी को। अभी अष्टमी आने वाली है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।